कि इतने होनहार एम्प्लॉय को आपने पोजीशन से हटा दिया। उस ऑफिस में मेरी जगह तो बनती नहीं थी, लेकिन मुझे क्यों बिठाया गया, परेशानी की तो बात थी। तो मैंने तो ऑफिस में जरा एक आपसे पूछा कि क्यों, ऐसा कैसे हुआ। तो पता चला कि जो मुझ पे अनायत की गई है, ये दामाद की मोहब्बत में की गई है। शट अप, जस्ट शट अप। तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जिस जगह पर तुम खड़े हो ना, वो डिजर्व नहीं करते हो। मगर क्या करें, मजबूरी भी ऐसी है कि तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। गलत बात, देखिए बहुत ही गलत बात कर रही हैं। मैं आपको पता नहीं क्या समझता हूँ और आप खैर। वैसे एक बात, बहू के लिए इतनी नफरत और दामाद के लिए इतनी मोहब्बत। उसे बार बार मेरा दामाद मत कहो। समझ गया, अब समझ रहा है कि जो आप ना, जो आप हैं, आपको अपनी बराबरी के लोग अच्छे। स्टेटस कॉन्शियस हैं आप। वक्त साय किए बताए जाओ जाकर अपने काम। मुझे फारिग लोग पसंद नहीं, समझे? तो बॉस, सवेरा जी, ये कौन है इनकी? वो सवेरा मैडम थी, मैडम की इकलौती बेटी। अच्छा, थैंक यू। वाह भाई वाह, ये ऑफिस तो हसीनाओं से भरा पड़ा है। इधर से लेके उधर तक लड़की लड़की। सवेरा, लिसन, कम ही सवेरा, क्या कहा तुमने? क्या हुआ ऐसे, क्यों रो रही थी? मैम, मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस एक बात की है, दैट्स ऑल। आई सी। मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि सिर्फ एक बात कहने पर रो पड़े। जरूर तुमने कुछ कहा है उससे। याद रखो, अगर उसे कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें।